नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाटा IPL 2023 के बारे में कि टाटा IPL 2023 से 10 खिलाड़ी हुए हैं बाहर। ये कौन कौन से 10 खिलाड़ी हैं दोस्तों और किस किस टीम के वो खिलाड़ी हैं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा IPL से लेकर सारे क्रिकेट अपडेट आपको मिलेगी हमारे चैनल पे। दोस्तों क्या लगता है आपके लिए इन 10 टीम्स में से कौन सी टीम IPL 2023 का खिताब अपने नाम करने वाली है? और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कौन कौन सी टीम होने वाली हैं ये IPL 2023 में जो कि अपने नाम खिताब करने वाली है। दोस्तों सारी टीम्स के चयनकर्ताओं ने बता दिया है जो जो खिलाड़ी बाहर होने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग की, तो चेन्नई सुपर किंग्स के दोस्तों कैप्टन तो वो ही रहने वाले हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो टीम से रिलीज किए गए हैं और जो IPL में दोबारा खेलते नज़र नहीं आएंगे आपके लिए। तो बात करते हैं दोस्तों पहले खिलाड़ी की, तो पहले खिलाड़ी होने वाले हैं डेन ब्रेवो होने वाले हैं। दोस्तों डेन ब्रेवो के बारे में बता दें, दोस्तों ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफ़ी लंबे समय से खेलते चले आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते थे। दोस्तों अब डेन ब्रेवो ने IPL से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। दोस्तों तो आपके लिए 2022 के बाद ये कहीं खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। अभी दोस्तों 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स ने इनके लिए अपनी टीम का बॉलिंग कोच के रूप में नेतृत्व करने को कहा है। दोस्तों आपके लिए डेन ब्रेवो 2023 में बॉलिंग कोच की भूमिका निभाते हुए अपनी टीम के साथ दिखाई देंगे। काफ़ी अच्छी इनका IPL का सफ़र रहा था। अब दोस्तों वहीं बात करते हैं हम दूसरे खिलाड़ी की, तो दूसरे खिलाड़ी होने वाले हैं पैट कमिंस होने वाले हैं। दोस्तों पैट कमिंस ने दोस्तों IPL से अपना नाम वापस ले लिया। कमिंस ने बताया कि वर्कलोड बढ़ने की वजह से उन्हें फिट रहना है, इस चक्कर से दोस्तों उन्होंने अपना नाम IPL से वापस ले लिया है। दोस्तों पैट कमिंस ODI और टेस्ट टीम दोनों के कैप्टन बन चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के, अब इस वजह से उन्होंने IPL से अपना नाम वापस ले लिया है। वहीं बात करते हैं दोस्तों हम तो तीसरे खिलाड़ी की, तो तीसरे खिलाड़ी होने वाले हैं कैरन पोलार्ड, जो कि दोस्तों मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे, काफ़ी अच्छी पारियां खेलते थे, काफ़ी विस्फोटक बल्लेबाजी करते थे, गेंदबाजी भी करते थे। दोस्तों कैरन पोलार्ड दोस्तों ऑलराउंडर की भूमिका निभाते थे मुंबई इंडियंस के लिए। जैसे ही दोस्तों कैरन पोलार्ड ने संन्यास लेने की घोषणा की, उसके बाद मुंबई की फ्रेंचाइज ने कैरन पोलार्ड के लिए बैटिंग कोच के रूप में चुन लिया है। दोस्तों 2023 में दोस्तों कैरन पोलार्ड आपके लिए बैटिंग कोच की भूमिका में नज़र आएंगे। कैरन पोलार्ड का काफ़ी अच्छा सफ़र रहा था IPL का। दोस्तों कैरन पोलार्ड बहुत समय से मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हुए थे, काफ़ी अच्छी पारियां खेलते थे, मैच जीता हुआ पारियां खेलते थे। तो दोस्तों फाइनली अब ये 2023 के लिए कोच बन चुके हैं मुंबई इंडियंस के। बात करते हैं दोस्तों चौथे खिलाड़ी की, तो वो हैं दोस्तों रॉबिन थप्पा। रॉबिन थप्पा 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ काफ़ी अच्छा खेले थे दोस्तों, अच्छी मैच जिताई पारियां खेली थी, लेकिन अब रॉबिन थप्पा ने IPL से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ये आपके लिए किसी भी टीम के साथ खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे रॉबिन थप्पा। IPL का सफ़र इनका यहीं तक रहा। दोस्तों रॉबिन थप्पा ने बताया कि अब वो IPL नहीं खेलना चाहते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों अगले खिलाड़ी की, तो अगले खिलाड़ी होने पाँचवें नंबर की, तो ये होने वाले हैं दोस्तों एलेक्स हेल्स। एलेक्स हेल्स दोस्तों KKR के साथ पिछले सीज़न में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छे विस्फोटक बल्लेबाज हैं। इन्होंने बताया कि हम अपने टीम्स के लिए अच्छा देने के लिए, फिटनेस ठीक रखने के लिए हम IPL नहीं खेलेंगे, रेस्ट रखेंगे, उसके बाद अपनी टीम के लिए अच्छी फिटनेस, अच्छी
जब फिटनेस ठीक होगी तो अच्छी बल्लेबाजी कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। तो इस वजह से दोस्तों इन्होंने भी अपना नाम आईपीएल से वापस ले लिया है। वहीं बात करते हैं दोस्तों हम तो छठे नंबर पे होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज। दोस्तों काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते थे दोस्तों ये दिल्ली कैपिटल की तरफ से 2022 के सीजन में खेल रहे थे और इन्होंने भी अपना आईपीएल से नाम वापस ले लिया है, क्योंकि दोस्तों ये अपनी देश के लिए अच्छा करने की वजह से इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, क्योंकि आईपीएल में आके वक्त नहीं मिल पाता था, उस चक्कर से दोस्तों इन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया है। बात करते हैं दोस्तों सातवें नंबर की तो सातवें नंबर पर होने वाले हैं मॉर्गन लगुसेन। लगुसेन ने भी अब अपना नाम वापस ले लिया है दोस्तों, क्योंकि ये भी अपने देश के लिए खेलने के चक्कर से इन्होंने फिटनेस की वजह से अपना नाम वापस ले लिया है। वहीं बात करते हैं दोस्तों आठवें नंबर की, तो आठवें नंबर पे आने वाले हैं सेम बिलिंग्स ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। ये भी चेन्नई सुपर किंग्स में विकेट कीपर बल्लेबाजी की भूमिका निभाते थे दोस्तों। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स में विकेट कीपिंग MS धोनी ही करते हैं, लेकिन ये खेलते थे तो इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है अपने देश की खेलने की वजह से, क्योंकि IPL में आके वक्त नहीं मिल पाता है, फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, रेस्ट नहीं मिल पाता था, उस वजह से इन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया है। दोस्तों सेम बिलिंग्स काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते थे, अच्छी पूरा योगदान देते थे अपनी टीम के लिए। वहीं बात करते हैं दोस्तों आठवें नंबर की, तो आठवें नंबर पे होने वाले हैं दोस्तों मिचेल स्टार्क ने कहा दोस्तों इन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया है IPL के सीज़न से। ये आपको IPL किसी भी टीम के खिलाफ हालांकि 2023 में नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये अपने देश के लिए अच्छी प्रदर्शन देने की वजह से इन्होंने अपना नाम IPL से वापस ले लिया है। दोस्तों ये नौवें खिलाड़ी हैं जिन्होंने IPL में अपना नाम वापस लिया है। वहीं बात करते हैं दसवें नंबर की, तो दसवें नंबर पे श्रीलंका के धनुका गुणातिलका होने वाले हैं, जो कि दोस्तों इन पे बैन लग चुका है रेप का। तो ये अभी हुए ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप में इन पे ये बैन लग चुका है, जब तक श्रीलंका के कंट्रोल बोर्ड इन पे से बैन नहीं हटाता तब तक ये IPL का कोई सभी सीजन नहीं खेल सकते, क्योंकि अभी इन पे बैन चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हमें बताइएगा आपको इन खिलाड़ियों के बारे में कैसा लगा, कौन कौन खिलाड़ी सही फैसले लिए, क्या बताएं दोस्तों MS धोनी और विराट कोहली की दोस्ती के बारे में क्या राय है दोस्तों आपकी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या प्रतिक्रिया है आपकी। और दोस्तों वीडियो को देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करें वीडियो को। इन दोनों की कप्तानी कैसी रही थी हमारे देश के लिए दोस्तों, अगर शायद कैप्टन कूल अभी तक कैप्टन होते अपने देश के तो भारत के, तो शायद कुछ सिचुएशन और होती दोस्तों। वहीं बात करते हैं दोस्तों इन खिलाड़ियों के बारे में जो पिछले सीजन में टॉप किए थे, क्या दोस्तों ये खिलाड़ी फिर से अगले सीजन में अपनी टीम के लिए वही प्रदर्शन दिखा सकते हैं या नहीं, हमें दोस्तों ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में अपनी राय, क्योंकि इन खिलाड़ी को बारे में श्रेयस अय्यर, सरदुल ठाकुर, बृंदा हसरंगा, दीपक चहर, हर्षल पटेल, ये काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं, कुछ बल्लेबाज हैं। बात करते हैं फिर से अपने ये चार दिग्गजों की, जैसे ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों इन चारों में से इंडियन टीम का कौन सा अच्छा कैप्टन है दोस्तों, अभी ऋषभ पंत उतनी कैप्टनशिप की नहीं है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और MS धोनी ने बहुत सारी कैप्टनशिप की, इन तीनों में से दोस्तों कौन से कैप्टन आपको अच्छे लगे दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इन 10 टीम्स के कौन सी टीम इस बार 2023 का IPL सीज़न लेके जाने वाली है।
दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।